पंचायत के सरपंच इतराज जी निहालिया पहुंचे, उनका जो स्वागत है वह मंच प्रस्ताव ग्रहण करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा हर जीजा युवा कांग्रेस लीडर हमारे बीच में है, हर जीजा मंच पर आए और अपने विचार साझा करें। वक्ताओं से पुनः निवेदन, सभा का ध्यान चुनाव आयोग की फाउंडेशन है, कृपया सभा का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त और बोधन। विधानसभा के कोने कोने से आए हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे मेहनतकश युवा साथियों, आज हम सबके लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आला कमान ने बड़ी सोच समझकर हमारे प्रिय युवा नेता अभिमन्यु पूनिया को संगरिया विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब पर डाल दी है कि ये टिकट हमें हर हाल में अभिमन्यु पूनिया को विधानसभा में पहुंचाना होगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें अथक मेहनत करके इस कार्यक्रम को, इस प्रत्याशी को सफल बनाना है। मेरा पहला वक्ता सारी बात हम बता दी, भाषण को वक्त है कोनी, दिन रह गया 15। अगर तो थे आज अठे सारा वोटर बन के आया हो तो आपकी बात कौन बने, अठे थे सारा आज अभिमन्यु पूनिया बन के जानो है, वो तो एक सिर्फ एक व्यक्ति है। अब चेहरों सारा थे हो कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाहिया और आप ही मैदान में जाके लड़ाई लड़नी है। हर व्यक्ति यो सोचे कि मैं अभिमन्यु पूनिया हूँ और कांग्रेस को परचम आप विधानसभा पर लहराना है। पिछले 7-2 साल में वे गांव गांव डाणी डाणी घूमियो, जो सरकार बढ़िया काम करे वहां आपको काम करनी हो, जिम्मेदारी आपनी है कि वहां अच्छे कामों पर आपको मोर लगानी है। तो मैं ज्यादा लंबा वक्त कौन लू, सारे सारा वही निवेदन है कि 15 दिनों का वक्त है, हर व्यक्ति आपका अपना अभिमन्यु पूनिया बनो और मैदान में उतर जाओ और 25 तारीख में ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्यादा से ज्यादा वोट डालो और कांग्रेस पार्टी ने सफल करो। वो नारा लगाऊंगा और थारा इजाजत लेगा और नारा की गूंज जयपुर और दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए और आला कमान जो की बैठी है वन एहसास हो जाए कि जगह फैसलो वन करे हुए वो फैसलो सही है। कांग्रेस पार्टी जयपुर तक पहुंची है, दिल्ली तक कौन पहुंची, दो हमारा जोरदार लगाओ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय जय भारत। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा